आज की हमारी अपनी इस मजलिस में हमने जो जोवान मंतखब किया है वह है हमारा विजन और हमारा मिशन सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हम यहाँ हमारा जब कह रहे हैं तो इससे मुराद क्या है इससे मुराद हम मुसलमानों का विजन और मिशन है इससे मुराद हम किताब सुन्नत के हामिल का विजन और मिशन है इससे मुराद इस पूरी कायनात के इंसानों का विजन और मिशन है यानी कुरान और सुन्नत में अल्लाह तब अरक ने हमें क्या विजन दिया है और किस मिशन पर काम करने का अल्लाह ताली ने हम और आप को हुक्म दिया है इसे सादा अल्फाज में अगर हम समेट कर कहना चाहें तो हमारा मकसद ज़िंदगी क्या है और इस मकसद के हसूल का रास्ता अल्लाह तबाहक़ा ने क्या रखा है हमारी और आपकी ये जो ज़िंदगी है हम अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया के अंदर आए नहीं और अपनी मर्जी से इस दुनिया को छोड़कर जा नहीं सकते एक अल्लाह तबा रकाल रब, दुल जलाल, रब है, जिसने हमें पैदा किया है और वही हमें मौत भी देगा जब उसको मौत देना होगा जब वो चाहेगा हमें मौत देगा अब ये मौत हयात या हयात और मौत के दरमियान का जो वक्फा है जिसे हम जिंदगी कहते हैं इस जिंदगी को अल्लाह तब अरको ने एक मकसद अता फरमाया ये भी अल्लाह का करम है कि अल्लाह ही ने मकसद दे दिया आपको छोड़ा नहीं कि आप में से हर कोई अपना अपना एक मकसद मुत कर ले मैं उसकी मिसाल आपको देकर यूं कहता हूं आज अगर आप किसी स्टूडेंट से पूछे किसी आदमी से आप अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं वो कहेगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं इंजीनियर बनना चाहता हूं मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूं मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ मैं सब ये गलत नहीं है ये गलत नहीं ये मकसद नहीं है ये कैरियर के सिलसिले में उसका अपना निशाना है वरना असल जो मकसद ज़िंदगी है वो मकसद जिंदगी वही है जो अल्लाह ने तय कर दिया और अल्लाह तबारक के तय कर देने के बाद अब हमारा कोई काम नहीं हमें सिर्फ उस मकसद को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए उस मकसद को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए और इस तरह करनी चाहिए कि हम जहां रहें डॉक्टरी करें इंजीनियरिंग करें तिजारत करें सियासत करें या तदरीस तालीम से जुड़े रहें या फिर खदमत खर्च जहां से भी रहें उसी एक अजीम मकसद की तकमील हमारे इन तमाम कामों का मकसद हो एक डॉक्टर लोगों का इलाज करता है अपने सबसे पहले रोजी रोटी कमाता है समाज की नज़र में इज्जत कमाता है अपने दिलो दिमाग का सुकून पाता है कि मैं कितने लोगों को फायदा पहुंचाने में कामयाब हो रहा हूँ लेकिन इन सब से बड़ा उसके सामने मकसद ये होना चाहिए कि मैं अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक कि खैर उन्नासम फाउस लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों को नफा पहुंचाता है मैं अल्लाह ताला के इस हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा हूं ये सोचकर एक डॉक्टर यहां जिंदगी गुजारे हमारी और आपकी जिंदगी में हम जो भी करते हैं वो जो अजीम मकसद अल्लाह ताला ने हमारी और आपकी ज़िंदगी का रखा है उस अजीम मकसद से जुड़ कर ही हमारी जिंदगी के सारे मामलात चलते हैं इसलिए कि अल्लाह तबारक ने हमें एक बा मकसद मखलूक बनाया है अल्लाह तबारक ने एक विज़न दे दिया है हमारे सामने अल्लाह तबारक तआला ने एक विजन मुतय्यन कर दिया हमारा एक नुकता यूं कहिए कि हमारा अपना हमारी मंजिल अल्लाह ताला ने तुम कर दी है और उस मंजिल के हसूल का रास्ता क्या है तरीका क्या है कहाँ से जाना चाहिए कैसे जाना चाहिए ये सारी तफसी अल्लाह तबारक ने तय कर दी तो पहली बात आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि हमारा विजन भी तय है हमारा मिशन भी तय ये तय करना आज किसी आलिम का किसी कादी का या किसी हाँ का या किसी फर्द का काम नहीं ये अल्लाह ने तय कर दिया हमारा काम ये है कि उस विजन को जाने उस मिशन को पहचाने और अपनी जिंदगी को उसी की तक़मील में लगा दें हमारा काम इसीलिए देखिए लिए के नाम रिजवान तजमाइन दीन की बड़ी गहरी और सही समझ रखते थे हजरत अब्दुल्ला मसूद रफी इसीलिए कहा करते थे कि ولا تبتدعوا فقد كفيتم कहते थे कि देखो इतबा करो इब्तदा नई चीजों की तलाश में ना लगो फकदी तुम इसलिए कि कोई और इसके लिए काफी हो चुका है यानी तुम्हें इससे बेनियाज कर दिया गया है। क्या मतलब इस जुमले का इस जुमले का पहला मतलब इत यानी एक रास्ता तय है एक निशाने मंजिल मुतन है आपको बस उस रास्ते पर चलना वाला तब कुछ नया करने का अल्लाह ताला ने आपको हुक्म नहीं दिया वाल तब तदी ओ नया नया आप अपनी तरफ से कुछ ना लाए आपको एक तय शुदा रास्ते पे चलने का हुक्म दिया गया क्यों फकत कुफी तुम अल्लाह ने आपको इसका मुकल्लफ नहीं किया कि खुद अपना विजन तय करो अपना मिशन तय करो और उस पर लग जाओ नहीं वो तो तय है तुम्हें हुक्म ये दिया है कि बस एक तयशुदा रास्ते पे चल चलकर दिखाओ यही बात सबसे पहले इस पे हमें याद रखनी चाहिए कि हम जब विजन की बात करें मिशन की बात करें एक मुसलमान की हैसियत से हम एक फर्द के तौर पे बात करें इंडिविजुअल या एक घराने के तौर पे बात करें या उससे आगे खानदान के तौर पर बात करें या फिर एक पूरी सोसाइटी के तौर पे मुस्लिम समाज के तौर पे बात करें या फिर इस पूरी कायनात के तौर पे बात करें और न सिर्फ इस तरतीब के साथ हम अपनी घरेलू जिंदगी में बात करें हम अपनी तिजारत और कारोबार में बात करें हम और आप अपने समाज और माशरे के मसाइल में बात करें हम अपनी सियासत के मौजू पर बात करें या ख़िदमत ख़ल के अनवान पर बात करें जहाँ भी हम बात करें यही विजन है यही मिशन है यही हमारा निशान मंजिल है यही हमारा सफ़र है इस्लामी शरीयत ने इस मसले को बहुत ही साफ तौर पे बता दिया है कि अल्लाह तबारक ने हमारे और आपके सामने ये बातें कुरान और सुन्नत में बड़ी वजाहत के साथ रख दी हैं। मैं इस बुनियादी नुक्ते को जिक्र करने के बाद आप हजरात के सामने इस नुक्ते को लाता हूँ कि अच्छा अल्लाह ने अगर तय कर दिया तो अल्लाह ने वो क्या मकसद बताया अल्लाह ताला ने मकसद क्या बताया

के वो मेरी इबादत में तोहीद को अपनाए यह हमारी और आपकी जिंदगी का मकसद है और हमारी और आपकी जिंदगी का मिशन है जो अल्लाह ताला ने एक आयत के टुकड़े में बयान कर दिया अल्लाह ने हम और आपको अपनी इबादत और बंदगी के लिए पैदा फरमाया अल्लाह ताला ने हम और आपको उसकी अपनी इबादत के लिए और उसकी अपनी बंदगी के लिए पैदा फरमाया है और बंदगी में उसकी तोहीद उसकी वहदानियत उसकी यकताई यही हमारी और आपकी जिंदगी का मकसद है यही हमारा विजन है यही हमारा अपना मिशन है हम इस दुनिया के अंदर क्यों भेजे गए अल्लाह की इबादत के लिए और यहां हम इबादत करेंगे हमें नेकी के रास्ते पे चलना पड़ेगा बुराइयों से रुकना पड़ेगा हमारी मंजिल क्या होगी मौत होगी वला तुन्न इल्ला वन तुम मुस्लिम के तुम्हें हरगिस मौत ना आए मगर इस हालत में कि तुम फरमा बरदार हो और जब इस हालत में मौत आएगी रोजे कियामत अल्लाह तला के पास ये इनाम मिलेगा कि, कि, फमन नारी जन्नत फकद फास। कि जो आदमी जहन्नम के से बचा लिया जाए और जन्नत में भेज दिया जाए वो आदमी कामयाब हो गया यही हमारी और आपकी जिंदगी की सारी मेहनत का खुलासा रबलाल हम और आपसे राजी हो जाए हम उसकी बंदगी में कमाल के दर्जे को पहुंचे और उसके कमाल के दर्जे के अगर बंदे बन जाए अल्लाह तला हमें ईमान की मौत भी देगा और उसके बदले इनाम में जहन्नम से बचाकर जन्नत में अल्लाह ताल भेज देगा यही हमारी और आपकी जिंदगी का मिशन है इसी के लिए अल्लाह तला ने हम और आपको इस दुनिया में पैदा किया इसीलिए आज आप ये बात पहले नंबर पर समझ लें कि हम और आप ये जो मस्जिदों के अंदर खुतबात जुमा सुनते हैं आप याद करें आपके सारे खुतबात जुमा में आपको यही सबक बार बार पढ़ाया जाता है आप यहां जो दर्श में बैठते हैं चाहे आज का दर्श या इस जैसे दसियों दुरूस हो आपको यही बातें पढ़ाई जाती हैं, यही सिखाई जाती हैं आप अगर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में जाते हैं कहीं बड़ी कॉन्फ्रेंस तीन रोज की दो रोज की एक रोजा कॉन्फ्रेंस वहाँ भीवान अलग अलग होते हैं लेकिन ये येवान दरअसल आपको आपका भूला हुआ सबक याद दिलाते हैं कोई अपने खानदान के मसले में अपने मकसद को भूला हुआ है कोई अपनी तिजारत में अपने मकसद को भूला हुआ है कोई सियासत में अपनी मंजिल को भुलाया हुआ है कोई आदमी अपनी दुनिया में मसरूफ होकर अपने खेल कूद अपने तमाशे में भूला हुआ है कोई आदमी इल्म वाला है लेकिन अमल की राह में कोरा है अपने मकसद को भूला हुआ है तो ये जितने दरूस होते हैं जितने खुदबात होते हैं सब होते हैं ये सारे के सारे आपको अपनी जिंदगी का मिशन याद दिलाते हैं कि आप किस लिए पैदा किए गए आप इस दुनिया के नहीं हैं, दुनिया में उलझ ना जाए आप आखिरत के लिए पैदा किए गए यहाँ आपकी मेहनत आखिरत की खेती होनी चाहिए यही आपको याद दिलाया जाता यही आपको पढ़ाया जाता है यही आपको सिखाया जाता है हाजी ये हम हमारी और आपकी जिंदगी का वो मकसद है जो कुराने मजीद में अल्लाह तबारक ने बयान फरमाया लेकिन आज यहां रुक कर मैं एक बड़ा अहम सवाल आपके सामने पूछना चाहता हूं कि क्या आज उम्मत मुस्लिमा एक उम्मत के तौर पर और इसके अफराद एक सोसाइटी एक बस्ती एक खानदान एक घराना एक फर्द की हैसियत से इस मकसद को पूरा करने में कामयाब हैं क्या हम और आप वाकई मानों में हमारी और आपकी जिंदगी अपने मकसद से जुड़ी हुई है हमारी और आपकी जिंदगी उन्हीं खतूत पर चल रही है जो खतूत अल्लाह ताला ने तुम फरमाए हैं आप अगर ये सवाल देख इस सवाल का जवाब तलाश करना चाहेंगे तो आपको नजर आएगा कि इस वक्त उम्मत का एक बड़ा तबका अपने इस मिशन से गाफिल नजर आता है मैं यहां आपके सामने पुरान मजीद की एक आयत की रोशनी में जरा बारीकी के साथ बात करना चाहता हूं इस मसले को आज हमें अच्छे से समझना चाहिए जहां से हमें समझ में आएगा कि हमें आइंदा क्या करना है हमें आइंदा के लिए क्या हमारे सामने खतूत हैं हमारे सामने कौन सा रास्ता है यह हमारे और आपके सामने वाज होगा मैंने खुदब मसनूना के बाद बीना की एक आयत पढ़ी जिसमे तबारा ने फरमायाबीन अल्लाह ने फरमाया किम ही इस बात का दिया गया है लिया कि अब तबाह की इबादत करें इबादत करेंदीन दीन को उसी के लिए खालिश रखें यकसू रहें। एक रुख पर रहें व युकी मुसलका वो नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें ये जो आयत का टुकड़ा है इसमें मैं आपके सामने दो अलग अलग मसले रखना चाहता हूं पहला मसला ये है कि अल्लाह तबा रखो तुम अपनी इबादत का हुक्म दिया ये पहला मसला है और दूसरा मसला है इबादत में मुखलिस रहने मुहिद रहने हनीफ रहने सबसे रुख फेर कर अल्ला ही के तरफ मुतवजह रहने का अल्लाह तला ने हुक्म दिया दूसरे अल्फाज में यूं कहिए कि अल्लाह ने इबादत का हुक्म दिया और इबादत में तोहेद का अल्लाह ताला ने हम तक को हुक्म दिया है आज पहली बात हम इस पर बात करते हैं क्या हमारे और आपका ये मुस्लिम समाज मुस्लिम सोसाइटी वो मशरक हो के मगरब हो वो अरब हो के अजम हो वो पढ़े लिखे लोग हों के अवाम हो चाहे कोई भी हो क्या अल्लाह तबारक की तोहद के मकसद को पूरा कर रहे हैं क्या आज मुस्लिम समाज के अंदर तोहहीद पूरी आ गई है क्या अल्लाह तला के अलावा गैरुल्ला के साथ शिर करने अल्लाह के साथ गैरुल्ला को शरीक ठहराने की जो अलग अलग, अलग शक्लें थी क्या वो हमारे और आपके समाज से खत्म हो गई क्या अल्लाह के बंदे मुहिद हैं पूरे के पूरे कि हम ऐसे समाज में हैं जहां हम और आप ये कह सकें कि अल्लाह का फजलो करम है यहां सारे के सारे अल्लाह के मुवाहिद बंदे हैं क्या हम ऐसे समाज में जी रहे हैं आप अगर ये बात देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त का बहुत बड़ा मसला ये है कि उम्मत का बड़ा तबका ऐसा है जो अल्लाह तबारक की तोहद में खलल का शिकार है तोहीद उनकी खालिश नहीं रह गई शिर शिर के मुकदम या शिर की अलग छोटी बड़ी शक्लें आज के हमारे समाज का हिस्सा बनी हुई आज के हमारे समाज का हिस्सा बनी हुई है आज आप ये देखते हैं जो काम मंदिरों में होते हैं वो आस्थानों पर होते हैं जो काम गैर मुस्लिम अपने माबुदा ने बातिला बुतों के साथ करते हैं आज बहुत सारे मुसलमान अपने जिंदा या इंतकाल कर गए अशखास और अफराद और नेक लोगों के साथ करते हैं आज अगर आप यह देखते हैं कि अल्लाह ताला की तोहिद क्या है और यह देखने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कुरान पढ़ें। पढ़े, इल्म की वो किताबें पढ़े जिनमें से बताई गई बताई गई जब आप पढ़ते हैं और उसकी रोशनी में समाज का जायजा लेते हैं तो पता चलता है कि बिला लगा उम्मत का एक बड़ा तबका ऐसा है जो शिर्क या शिर्क के बहुत सारी शक्लों में मुबतला नजर आता है इसका मतलब यह हुआ कि उम्मत मुस्लिम के सामने उसका जो मकसद अल्लाह ने रखा था कि वो अल्लाह ताला की तोहीद की हामिल बन जाए यह मकसद पूरा नहीं हुआ इस मकसद पर काम करने की जरूरत है इस मकसद को बार बार दोहराने की जरूरत है यह मकसद उस वक्त तक पढ़ाया जाना चाहिए जब तक अल्लाह व तआला की इस तौहीद का सबक सारी इंसानियत की समझ में आना आना जाए तब तक इस सबक को पढ़ाया जाना चाहिए यह हमारा विजन है यह हमारा मिशन है अल्लाह तला ने हमें इसी का हुक्म दिया वमा इल्ला अल्लाह तबारक की तौहीद अल्लाह तबारक की यकताई का मसला ये मसला आज उम्मत को समझाने की जरूरत है मिल्लत को पढ़ाने की जरूरत है बदकिस्मती ये है कि इस वक्त मिल्लत ग्रोहों में बटी है फिरकों में बटी है जमातों में बटी है इस्लामी शरीयत में फिकी मसाइल में जो गुंजाइश हो सकती है कि भाई दलील समझने में इख्तलाफ हुआ है दलील के समझने में दो राय हो सकती है लोगों ने तोहद और शिर्क के मसले को भी ऐसा ही मसला बना दिया तोहद और शिर्क के मसले को भी मसल का मसला बना दिया जबकि यह कुफर ईमान का मसला यह हमारी और आपकी जिंदगी का मकसद है आज उम्मत मुस्लिम के सामने इस तोहद के लिए सुबह शाम काम करने की जरूरत है मैं आज आपको यह बात बताना चाहूंगा एक तो वो जिन्हें तोहिद की ये सही समझ हासिल नहीं। आगे बढ़कर मुसीबत यह है कि जिन लोगों को अल्लाह तबारक ने की सही समझ दी है आज वो लोग भी दुनिया वालों की देखा देखी तोहीद की इस दावत के सिलसिले में ऐसे ख्याल रखते हैं कि जिससे लगता है कि इस तौहि पर काम करना कोई ऐसा ही काम अल्लाह के बंदो यही मकसद जिंदगी है इसी के लिए अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया सारी कायनात आप देख लो आदम सलाम से लेके कुरान बार बार पढ़ के देखो अल्लाह ने जिस रसूल को भी भेजा यही तोहहीद की इसी तोहीद के लिए भेजा जितनी आसमानी किताबें होता इसी के लिए अल्लाह ताला ने भेजी अल्लाह तबारक तला ने जो भी शरीयें भेजी इस तोहीद ही को जिंदा किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तोहैद का पैगाम लेकर आए तेईस साल नबोवी जिंदगी में तेरा साल तक मक्का के अंदर इसी तो पर काम करते रहे और मदीने में इस तो के साथ बकियाम और मसाइल पर आपने काम किया यह ही असल इम्तिहान है और शैतान भी असल में इसी मसले पर मेहनत करता है सुबह अल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सही मुस्लिम की रिवायत है सही मुस्लिम की रिवायत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया, यानी हदीस हदीस कुदसी है अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने कहा इन्नी खलक्तु इबादी मैंने अपने बंदों को सब के सब बंदों को हनीफ पैदा किया यकसू पैदा किया सब के सब माहिद अल्लाह ने पैदा किया सबको अल्लाह ने फितरत इस्लाम पर पैदा किया फजुशया लेकिन शैतानों ने आकर उन्हें उछक लिया वह शैतान अल्लाह के बंदों को अल्लाह से दूर ले गए इसीलिए अल्लाह तला ने जब भी नबियों को रसूलों को भेजा किताबें उतारी और किसी को भी मुकल्फ किया तो यही हुक्म दिया वमा उमिर अबीन हर नबी ने आकर कहा सारे अंबिया की दावत आप देखो इसी के लिए थी भाइयों आज आप इस मसले को समझें कि ये जो तो की दावत है अल्लाह का फजलो करम है सलफ के हामिल की नजर में इसीलिए तोहीद का मसला सबसे पहले नंबर पर है वजह क्या है यही असल है और ये दुरुस्त होगा तभी जाके बकिया मामला दुरुस्त हो पाएंगे ये अगर दुरुस्त नहीं होगा बकिया मसाइल पूरी तरह दुरुस्त नहीं होंगे कहीं किसी को अखलाकियात अच्छी लगेंगे वह बाखलाक बन जाएगा लेकिन बाकिया मामलात तो उसके बिगड़े रहेंगे कहीं किसी आदमी को आदाब अच्छे लगेंगे वह मुद्दब हो जाएगा लेकिन ईमान और अकीदे के मसाइल में वह खलल बाकी रहेगा इस्लामी शरीयत आपको ये बताती है काम पहला इस पर करो काम पहला इस पे करो और उस वक्त तक करो जब तक के लोगों के दिलों से कुफर शिर की सारी आलूदगियां सारी खामियां निकाल के बाहर ना कर दो ये असल में पहले नंबर पे करने का काम सही बुखारी की रिवायत है मैं तयान फरमाती है कि रसूल अक्रम सर सबसे पहले अल्लाह त्या की मुफसल सूरतें उतारी कुरान मजीद की मुफसल सूरत अल्लाह तला ने उतारी क्यों कहा इसलिए

अल्लाह ताला ने सबसे पहले वो सूरतें उतारी जिन सूरतों में आखिरत का जन्नत और जहन्नम का तस्करा है उसके बाद अल्लाह ताला ने और हराम के मसाइल उतारे अगर अल्लाह ने पहले ही यह हुक्म नाजिल कर दिया होता अल्लाह ने पहले ही यह हुक्म नाजिल कर दिया होता कि जिना मत करो तो वो लोग खुले आम कहते नहीं हम जिना नहीं छोड़ सकते उनसे कहा जाता चोरी मत करो तो कहते हम चोरी नहीं छोड़ सकते उनसे कहा जाता शराब मत पियो तो वो कहते हम शराब नहीं छोड़ सकते सुबह नजरत आयशीका रबील्हन काहिर मतहरा फकीहा इस उम्मत की फकीहा हजरत आयशा सिद्दीका आयशीक रबील्ल्लहा की फ़िक है कि कुरान में अल्लाह ताला ने सबसे पहले तौहीद की बुनियादों को मजबूत किया और फिर उसके बाद हलालो हराम की बात की उसके बाद अल्लाह ताला ने दीन के सारे मसाइल की बात की आज भी आप देख लो कितनी जमातें कितनी जमीयतें कितनी इस्लाही तहरीकें हैं कोशिश कर नहीं, नतज पूरे क्यों नहीं निकल रहे वजह यह है कि तोहहीद पे काम किए बिना बाकी काम करना चाहते हैं तोहद पर काम किए बिना बकिया मसायल पर काम करना चाहते हैं तोहीद पर काम किए बिना नमाजें दुरुस्त करना चाहते हैं तोहीद पर काम किए बिना हलाल हलालो हराम के पाबंद करना चाहते हैं तोहीद पर काम किए बिना अख्लाक दुरुस्त करना चाहते हैं तोहीद पर काम किए बिना सियासत दुरुस्त करना चाहते हैं नहीं होगी बुनियादी जब तक मजबूत नहीं होगी ये नहीं होगा मेरे भाइयों इसीलिए अहले इल्म अल इल्मी के मनह पर चलने वाले आज जो उलमा वो ये बात दंगके की चोट पे कहते हैं अ तोहैद इबादल अल्लाह के बंदो सबसे पहले तोहैद पर मेहनत करो ये हमारे सामने बात कही जाती है मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ मैंने कहा कुरान की शायद में अल्लाह ने दो बातें कही एक तो अल्लाह की इबादत करें और दूसरी अल्लाह तबारक की इबादत में तोहद को इख्तियार करें आपके सामने अल्लाह तला की इबादत में तोहद के मसले पर मैंने बात की लेकिन आता हूं दूसरे मसले की तरफ जो तरतीब में पहला है असल में वो क्या है हमें से बहुत सारे लोग जो किताब और सुन्नत की दावत के हामिली हमें से बहुत सारे लोग जो अल्लाह के फद्लो करम से शिरक और शिरक याद से बचते हैं शिरक की मुख्त शक्लों से परहेज करते हैं इनका अपना मामला यह है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इबादत या तोहद का मतलब यह है कि शर्क से बचा जाए शिरक से पाक रहा जाए याद रखें आप कि शर्क से बचना शर्क से पाक रहना शर्क की तमाम आलूगीों से दूर रहना यह बहुत बड़ी खूबी है बहुत बड़ा कमाल है लेकिन यह मुकम्मल तो नहीं है यह मुकम्मल तोहेद नहीं या तोहद के तकाजे इससे पूरे नहीं हो जाते यह एक और मसला है जिस पर हम और आपको मेहनत करने की जरूरत है वह है सबसे पहले अल्लाह की इबादत करें और इबादत में अल्लाह के साथ शरीक ना करें आज एक तबका तो वो है जो इबादत में शिरक या शिरक की मुख्तलिफ शक्लों को अपनाए हुए है और दूसरी तरफ इन लोगों का मामला ये है जो अपने आप को किताब और सुन्नत की दावत के हामिलीन मानते हैं हमारी और आपकी बात करें या जिनको भी उम्मत में अल्लाह ने शिर्क से बचा के रखा है उनका मामला क्या है वो शिरक से पाक है लेकिन क्या अल्लाह तबारक की इबादत कर रहे हैं क्या वाकई मानों में अल्लाह तला की बंदगी कर रहे हैं अगर आप यहाँ देखें यहां भी बड़ा खलल नजर आता है यार यहां भी बड़ी कमी नजर आती है इसका मतलब यह हुआ कि हमारी और आपकी जिंदगी का मकसद अब यह भी होना चाहिए बल्कि पहले से यह रहना चाहिए कि हम लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएं इबादत में तोहेद की तरफ भी बुलाएं और अल्लाह की इबादत की तरफ भी बुलाएं यह कैसे होगा शेखुल इस्लाम इबन तयमी और अलैहि ने

हमारी हरकतों सकनात हमारे काम जो कुछ होते हैं इन तमाम को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अल्लाह के दीन के ताबे कर देना यह अल्लाह तबारक रखो की इबादत वो मालूम ये हुआ कि हमारी और आपकी जिंदगी का मिशन और मकसद क्या है एक तरफ तो तोहीद है कि शिरकिया से बचें और उसके साथ ये मकसद है कि हम और आप अल्लाह ताला के इबादत में अपनी जिंदगी गुजारें क्या मतलब है इसका अकीदा वो रखो जो अल्लाह ताला ने सिखाया नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो अगर नमाज नहीं पढ़ते हो तुम्हारी इबादत में खलल है तुम नमाज पढ़ते हो लेकिन इबाद नमाज सही तरीके से नहीं पढ़ते हो तुम्हारी नमाज तुम्हारी इबादत में खलल है कमजोरी जक़ात अदा करो जक़ात अगर नहीं देते हो तुम्हारी इबादत में खलल है और जक़ात देते हो सही तरीके से नहीं देते हो तुम्हारी इबादत में खलल है तुम रोजा रखो रोजा नहीं रखते हो इबादत में खलल है और रोजा रखते हो लेकिन जैसा शरीयत में मतलूब है वैसा नहीं रखते हो तुम्हारा अपना रोजा तुम्हारी अपनी इबादत में खलल है हज करो हज अगर नहीं करते हो इबादत में कमी है और अगर हज करते हो लेकिन वैसे नहीं जैसे करना चाहिए तुम्हारी अपनी इबादत में खलल है अरकान इस्लाम से आगे बढ़कर वाजिबात की एक फहरिस्त वाजिबात की एक फहरिस्त है इन वाजिबात को मुकम्मल करो की इताअत करना वाजिब दर्जे का इम हासिल करना कितने फरज और वाजिबात अल्लाह ताला ने हर मैदान में इबादात में फराइज हैं मामलात में फरज हैं अखलाक में फरज हैं इन अखलाक की पाबंदी करो कि ये इबादत है और अगर यहाँ कमी है आपके अखलाक में कमी है आपकी तजारत के उसूलों में कमी है आपकी माशरती जिंदगी के असूलों में कमी है आप इबादत के मकसद को पूरा नहीं कर रहे हैं और ऐसे ही अल्लाह की हराम करदा चीजें बहुत सारी हैं शिर से बचो कुफर से बचो बिदातों से बचो और बड़े बड़े जो गुनाह हैं शराब नोशी है कत्ल है जीना है सूदखोरी है ना किसी पे बहुत बांधना बड़े बड़े गुनाहों की पूरी लंबी फहरिस्त है इन तमाम चीजों से बचो आज आप ये मसला याद रखें अल्लाह की इबादत का मतलब यह है कि हमें इन तमाम मामला में मुकम्मल होना है और इन तमाम मामलात में खुद मुकम्मल होकर समाज के लोगों को मुकम्मल होने की दावत देना यह अल्लाह ताला की इबादत की तरफ दावत देना है और अगर कोई आदमी इन पर काम कर रहा इन मसाइल पे काम कर रहा है कोई नमाज की तरफ बोला रहा है कोई जक़ात के मसाइल बता रहा है कोई आदमी लोगों को झूठ बोलने से मना कर रहा है कोई आदमी तिजारत में सच्चाई को इंसाफ को धोखे से बचने की तालीम दे रहा है कोई आदमी लोगों को शराब नोशी से रोक रहा है जिना से रो रहा है रोक रहा है चोरी से रोक रहा है कत्ल से रोक रहा है जादू से रोक रहा है मुख्तलिफ जो भी ये काम ये सब के सब काम असल में हम और आप अल्लाह ताला के इबादत और बंदगी के दर्जे में कर रहे हैं मैं ये बात क्यों आपके सामने कहना चाहता हूं भाइयों भाईयों बातें बज़ाहिर आपके सामने सुनी सुनाई सी लगती लेकिन यकीन माने ये बुनियाद है उन मसाइल के लिए जो इसके बाद मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं अल्लाह तबारक ने हमारी और आपकी जिंदगी का मकसद मुतन फरमाया दो बातें अल्लाह ने कही हैं एक तो ये कि वमा उमिर अब कि वह अल्लाह की इबादत करें और फिर ये कहा मुखल इस इबादत में वो अल्लाह के लिए दीन को खालिश रखें अपनी बंदगी को अल्लाह के लिए खालिश रखें और यकसू रहें गैर अल्लाह इसकी तरफ ना आए सब तरफ से रुख मोड़ कर अल्लाह की तरफ जाए यह है हमारी जिंदगी का विजन यह है हमारी जिंदगी का मिशन इस पर असल में हम और आपको काम करना है और आज आप एक बात मुझे बताएं आज हमारे मदारिस आज हमारी और आपकी मसाजिद आज हमारे और आपके उलमा आज हमारे और आपके दुरूस आज हमारे और आपके खुदबाट आज हमारे और आपकी मजलिसें, कॉन्फ्रेंसों में हत्ता के आज हमारे और आपके सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप के ग्रुप पे हो फेसबुक पर हो या फिर कहीं और हो क्या इस मसले पर मेहनत हो रही है कि नहीं हो रही है आप अपने आप से पूछ कर देखें अल्हदुल्ला अलहमदुल्ल अल्लाह का फजलो करम है इस मिशन पर लोग लगे हुए हैं और अल्लाह की तौफीक से काम कर रहे हैं यकीनन दुनिया के हर मैदान की तरह कमी कोताही उन्नीस बीस कहीं होगी किसी मसले पर बात होती नहीं होगी जैसे हमारे यहाँ मीरास पर बहुत कम बात होती है यानी तरीका वालदेन का छोड़ा हुआ तरीका कैसे तकसीम होना चाहिए बहुत कम इस पर बोला जाता है लेकिन बोला जाता है इल्म बोलते हैं बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कभी खफलत की वजह से छूट जाते हैं लेकिन एक विजन एक मिशन के तौर पर यह बात हमारे सामने क्लियर है कि हम इस दुनिया के अंदर अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह की बंदगी के दायी बनकर इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं मेरे भाइयों अगर आप ये बात समझ रहे हैं तो आइये मैं आपको एक मसले की तरफ लेकर चलता हूँ ये जो अल्लाह की बंदगी का सफर है ना, ये जो अल्लाह ताला की बंदगी का सफर है इसको आप तीन दर्जों में जाकर मुकम्मल करते हैं पहला दर्जा है जिसको हम असल ईमान कहते हैं पहला दर्जा है जिसे हम ईमान की असल कहते हैं यानी वो मसाइल वो बातें वो ईमान और अकीदे और अमाल के जिनकी वजह से आदमी कुफर से निकल के इस्लाम में दाखिल होता है गुफर से निकल कर जिन बातों की वजह से आदमी मुसलमान बनता है यानी वो काम वो बातें वो अकीदे वो अमाल के जिनको छोड़कर या अपना कर एक आदमी हमेशा की जहन्नम से बचा लिया जाता है वो मुसलमान है अल्लाह तबारक के पास ये दीन का बुनियादी दर्जा ये दीन का बुनियादी दर्जा इस दर्जे के बाद आता है ईमान के कमाल का दर्जा जिसे कमाले वाजिब कहते हैं आप जानते हैं जहन्नम से हमेशा की जहन्नम से बचना यानी आदमी हमेशा नहीं रहेगा जहन्नम में लेकिन वक्ती तौर पर जहन्नम में जा सकता है जहन्नम में जाएगा लेकिन निकाल लिया जाएगा वक्ती तौर पर जा सकता है कमाल वाजिब ईमान के कमाल वाजिब का मतलब ये कि ईमान का वो दर्जा जो आदमी को जहन्नम में दाखिल होने से भी बचा लेगा अल्लाह के फज्लो करम से असले ईमान वो जो ईमान हमेशा की जहन्नम से नजात दिलाएगा और कमाल ईमान कमाल वाजिब वो है जो आदमी को जहन्नम में दाखिले से बचा लेगा और उसके बाद तीसरे दर्जे में आता है जिसे हम कमाल मुस्तहब कहते हैं यानी ईमान की वो बातें जो आदमी को ईमान के आला से आला दर्जे तक ले जाएगा नबी अलैहिस्सलाम ने अहादीस में ये बात बयान फरमाई कि जन्नत के सौ से ज्यादा दर्जे जन्नत के सौ से ज्यादा दर्जे हैं लोगों के अपने अमाल के हिसाब से उनके दर्जे मुतन होंगे ये असल ईमान और कमाल वाजिब और कमाल मुस्तहब दर्जे का जो ईमान है इसके हसूल में लगे रहना असल ईमान यानी शिरकियात कुफर से निकल जाना ईमान में आ जाना और फिर ईमान में उस मुकाम पे पहुंचना के जहां जहन्नम की आग छूए ही नहीं जो से दूर कर लिया और जन्नत में दाखिल कर लिया जाए उस मुकाम को पहुंचने के लिए कोशिश करना और उसके बाद उस आगे जन्नत में आला से आला दर्जे को पाने के लिए कोशिश करना यह असल में हमारी जिंदगी का विजन और मिशन है जिसे मैंने दूसरे अल्फाज में आपके सामने रखा कि इबादत हर मैदान में हमें करनी चाहिए हर काम में करना चाहिए आज आप अगर देखें जिंदगी में अल्लाह ने हमें जहाँ भी रखा है जैसा भी रखा है मुझे आपके सामने एक मुदर्रिस की शक्ल में रखा है बैठे हैं। आप अपने घर में एक सरपरस्त की हैसियत से आप अपने कारोबार में एक मुस्लिम अच्छे कारोबारी हैं आप हो सकता है किसी इदारे के जिम्मेदार हैं हो सकता है आप कहीं किसी के मातहती में काम कर रहे हैं आप और मैं जहां भी हैं हम सारी जिंदगी इसी तगोद में लगे हैं कि हम असल ईमान की हिफाजत करें कमाल ईमान जो होना चाहिए ईमान मुकम्मल होना चाहिए उसे मुकम्मल करें और कमाल मुस्तहब को हासिल करने की कोशिश करें इस तरह के जहन्नम की आग हमें छुए ही नहीं यही हमारी और आपकी जिंदगी का मकसद है मिशन ये हमारा कौमी सतह का भी मिशन है ये हमारा माशरती किस्म का मिशन भी है यह हमारे खानदान का भी है हमारे अपने घराने का भी है हमारा और आपका इनफ़रादी मिशन भी है मेरे भाइयों, किताबो सुन्नत की तालीमत हम और आपको ये बताती हैं कि इसी के लिए अल्लाह ताला ने हम और आपको पैदा किया वकिन निया लेकिन आज हमारे और आपके समाज में एक बहुत ही बड़ा मसला है जिस मसले को हमें समझने की जरूरत है हमारे और आपके समाज में एक मसला ये हुआ कि कुरान और सुन्नत में ये हमारी और आपकी जिंदगी का जो मकसद और मिशन मुतिन किया गया लोगों ने इस मकसद और मिशन को भुला दिया या इसको बदल दिया इसको दूसरा रुख दे दिया वो कैसे दिया मैं आपके सामने दो तीन कुछ मिसालें देना चाहता हूं सबसे पहली मिसाल तो आप ये देखें उन्नीस के अंदर खिलाफत इस्लामिया का खातिमा हुआ मुसलमानों की जो खिलाफत का सिलसिला चल रहा था खिलाफत राशिदा फिर खिलाफत बनोमैया खिलाफत अब्बासिया और उसके बाद फिर दरमियान में कुछ वकफा ऐसा भी आया जब मुसलमानों की खिलाफत नहीं थी फिर उसके बाद खिलाफत ओस्मानिया शुरू हुई जो आकर सन उन्नीस सौ चौबीस ईस्वी में खत्म कर दी गई इसके ख़त्म करने के पीछे बड़ी लंबी कहानी उसमें तफसील में जाना नहीं है मुझे उन्नीस सौ चौबीस के बाद जब खिलाफत इस्लामिया का खातिमा हुआ जाहिर बात है इस्लाम जब पूरी तरीके से नाफिज होगा तो इस्लाम के खैरत और बरकत बहुत ज्यादा होगी। हाकिम भी इस मुसलमान हो इस्लाम को नाफिज करता हो रियाया भी मुसलमान हो जो इस्लाम को पसंद करती हो सारे समाज में अगर इस्लामी तालीमत आम होंगी तो यकीनन इस्लाम के खैर और बरकत को हर कदम पर लोग देखेंगे लेकिन हुआ ये कि खिलाफत इस्लामिया के खातिमे के बाद पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की जो हालत थी वो इंतहाई गई गुजरी हालत मुसलमानों की थी दीनी एतबार से पसमानदा इस हद तक थे कि बहुत सारे लोग मुरत तक होने लगे थे

किताब और सुन्नत की तालीमत की रोशनी में कोशिश कर सकते थे करते रहे और अल्लाह का फजलो करम है कि इन्हीं की बरकत के नतीजे में सऊदी अरब के अंदर एक मुस्लिम हुकूमत कायम हुई इस्लामी हुकूमत कायम हुई और दुनिया के मुख्तलि इलाकों में जो दीनी तहरीकों की शक्ल में या उलमा की शकल में काम होता रहा उसके नतीजे में किताबों सुन्नत का ये जो बुनियादी पैगाम है ये विजन और मिशन की बात ये जो मकसद जिंदगी की बात यह निशान मंजिल मुतिन करने की बात है ये जो सफ़र अपना तय ये बात बड़ी अलहमद फैलती गई लेकिन इस बैकग्राउंड में एक फिक्र ने जन्म लिया वो फिकर ये थी कि मुसलमानों के तमाम मसाइल में सियासी जवाल को सबसे ज्यादा लोगों ने अहमियत दी कि मुसलमान दूसरों का गुलाम बन गया है इस्तेमार ये जो फ्रांस का इस्तेमार था या फिर ये कि अंग्रेज बर्तानिया का इस्तेमाल था ये जो लोग पूरी मुस्लिम दुनिया पर एक तरह से तसलुत कायम किए हुए थे कहा इस जिल्लत से निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए तो ये मैं आपको बता रहा हूं सन उन्नीस सौ चौबीस के बाद के दौर की बात है एक फिक्र ने जन्म लिया जिसे हम और आप तहरीकी फिक्र कहते हैं जिसे हम और आप खिलाफत के क्याम के लिए की जाने वाली कोशिशें कहते हैं या हम जिसे खिलाफत की तरफ दावत देने वाले कहते हैं इन्होंने एक फिक्र ली ये फिक्र क्या थी सादा अल्फाज में आपको मैं बताना चाहता हूं उनका मसला यह था कि मुसलमानों के तमाम मसाइल का हल सिर्फ इसमें है कि इस्लामी कायम हो जाए मुस्लिम हुआ कायम हो गई तो फिर इस्लामी हुकूमत इस्लाम नाफिज कर लेगी और इस्लाम अगर नाफिज कर लेगी तो इस्लाम भी आ जाएगा और मुसलमानों को इज्जत और गलबा भी मिल जाएगा एक फिक्र ने जन्म लिया ये फिक्र जब आई तो अब इस फिक्र को शरि बुनियाद फराहम करनी जरूरी थी कि शरीयत में क्या वाकियतन इसी का हुक्म दिया गया है तफसील का वक्त नहीं है कि इस फिक्र को शरि सनद देने के लिए कुछ लोगों ने बड़ी तफसील के साथ काम किया और एक नजरिया एक फिक्र जन्म दी जिसे हम हुकूमत इलाहिया के क्याम वाली फिक्र कहते हैं जिसके नतीजे में इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जमात इस्लामी का या फिर ये अरब दुनिया के अंदर अलिखवान मुसलिमून का या ऐसे ही दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ऐसी तहरीकें खड़ी हुई जिन तहरीकों ने ये मिशन अपनी जिंदगी में अपनाया कि हमें इस्लामी निजाम हुकूमत को लाना है इस्लामी निजाम हुकूमत को लाना है इस वक्त में सारी तफसीलात में नहीं जाऊंगा लेकिन एक बुनियादी मसला आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं अभी तक मैंने आपके सामने जो बातें कही विजन और मिशन उस विजन और मिशन में यह बात बहुत साफ है अल्लाह तबारक ने कुरान मजीद के अंदर यह बात बयान की है कि जब लोगों के अंदर तोहिद आएगी और लोगों के अंदर अल्लाह की इबादत का वो जो बुनियाद है की जो बुनियाद दो बातें मैंने कही इस पर अगर बुनियादों में काम होगा तो लोगों के अंदर वो समाज पैदा होगा जो समाज खुद अपने ऊपर अल्लाह ताला की शरीयत नाफिज करेगा और जहां जाएगा अल्लाह ताला की शरीयत का निफाज खुद ब खुद होता रहेगा और हालात मुनासिब हुए तो हुकूमत भी कायम होगी और हुकूमत के अंदर इस्लाम नाफिज होगा हुक्मरान पर इस्लाम नाफिज होगा कोई हुक्मरान इस्लाम नाफिज करे उससे ज्यादा जरूरी है कि हुक्मरान पर इस्लाम नाफिज हो इस्लामी शरीयत ने यह बड़ी फिक्र हम और आपको दी इसीलिए अहले इल्म ने मकसद जिंदगी के तौर पर वही मकसद रखा अल्लाह की तोहद अल्लाह की इबादत यही मकसद है और कहा इसी मकसद से आपका की एक तरक्की करेगी आप में तरक्की करेंगे माशियात में तरक्की करेंगे यहीं से आपका अखलाकियात का जो मॉरल वैल्यूज का जो समाज का मसला है वो अखलाकियात का पूरा एक सिस्टम कायम होगा इसी इबादत और अल्लाह की तोहद के रास्ते से आपके अंदर सियासत की वो बुनियादें भी कायम होगी कि जहां से अल्लाह तबा रक के दिन पर आप हर मामले में अमल करेंगे इसी तोहैद के रास्ते से आपके अंदर वो जज्बा पैदा होगा कि हलाल हराम का कानून आप वही कबूल करेंगे जो अल्लाह तबाह अरक ने तय किया है इसीलिए अहले इल्म ने ये कहा विजन और मिशन हालात बहुत सारे बदल सकते हैं लेकिन मकसद हमेशा वही रहेगा अल्लाह की तोहद अल्लाह की इबादत और इसी रास्ते से अल्लाह ताला के इसी तोहहीद के रास्ते से हुकूमत भी आएगी सियासत भी होगी सब कुछ होगी यह इल्म ने जो है बयान किया कुरान मजीद की दो आयतें सिर्फ इस मसले की वजाहत के लिए आपके सामने जिक्र कर दूं पहली आयत अल्लाह ताला, ताला ने फरमाया वदीन अमन

और उनके दीन को अल्लाह ताला ज़मीन पे जमा देगा जो अल्लाह ने दीन इनके लिए पसंद किया है और खौफ के हालात बदलकर अमनो अमान की जिंदगी अल्लाह अता करेगा किसको ईमान और अमल साले वालों को वही बात जो मैंने कही ना कि वो लिया अब अल्लाह की इबादत करें आप ये करें अल्लाह का वादा है अल्लाह देगा आपको और अल्लाह ने आयत के अख्ताम पर फिर दोहराया कहा बुदू नी ला युशिकुनबी बुनियाद ये होनी चाहिए कि वो मेरी ही इबादत करें मेरे साथ शिरक ना करें गोया मतलब ये हुआ, आयत में बहुत साफ पैगाम ये था कि तुम्हारी सियासत की बुनियाद भी तुम्हारी तौहीद होगी इसका मतलब ये हुआ कि मिल्लत इस्लामिया के सियासी मिशन पर भी आप बात करना है अल्लाह की तौहीद पर आपको बात करना चाहिए अल्लाह ताला की वहदानियत से आपको शुरुआत करनी चाहिए हुआ क्या जब ये फिक्र आई कि मुसलमानों को सियासी गलबे के लिए जिद्दोजहद करना चाहिए कोशिश करनी चाहिए तो शोरी तौर पर या गैर शोरी तौर पर खवारिज की फिक्र की तरफ बात चली गई ये बात आज आपको समझनी चाहिए खवारिज का मसला क्या था आपको पता है हजरत अली और हजरत मुआविया के दरमियान जंग हुई जंग, जंग सिफीन जब जंग सिफीन हुई तो जंग सिफीन में इस मसले पर फैसला हुआ कि दोनों तरफ से दो हकम भेजे जाएंगे दो लोग नुमाइंदे बनाकर भेजे जाएंगे जो फैसला करेंगे इस फैसले को तरफे मंजूर कर लेंगे यानी यह हुआ कि इंसानों को हाकिम बनाया गया फैसला करने वाला इंसानों को इधर से हजरत अमरिबन आस और उधर से हजरत अबू मसाश अशरी को हकम बना लिया गया जिस वक्त इन दोनों को हकम बना लिया गया खवारिज ने कुरान की एक आयत ली इनकम कभी हाकिम तो सिर्फ अल्लाह हो सकता है ये तो इंसानों को हाकिम बना रहे हैं, इसी सीधे से माने को लेकर हालांकि आयत का ये माना नहीं है आयत का माना क्या है मैं आपको बताऊं लेकिन ये उन्होंने कहा कि हुक्म इल्ला भाई हाकिम सिर्फ अल्लाह हो सकता है अल्लाह के अलावा किसी का हुक्म नहीं चल सकता अल्लाह के अलावा किसी का फैसला नहीं हो सकता अब इन लोगों ने दो अफराद को हाकिम मान लिया और कहा कि इनके फैसले को हम मान लेंगे इस तरह ये लोग काफिर हो गए खवारिज ने ये गलती की थी मैं आपको बताना चाहता हूं जब सियासी गलबे की बात आई तो यहां से इस फिक्र ने गैर शोरी तौर पर खवारिज की इसी फिक्र से राक जोड़ लिया और ये कायदा बनाया कि अगर मुसलमान अगर मुसलमान गैर इस्लामी निज़ाम हुकूमत के तहत जिंदगी गुजारते हैं तो यह तागत के पुजारी है गैर इस्लामी निज़ाम हुकूमत के तहत जीते हैं ये तागूत के पुजारी हैं इन्होंने इस्लाम में दाखिल होने की शर्त ही पूरी नहीं की इसलिए कि अल्लाह ने कहा फमय ताबूत व वही बिल्ला जो तागूत का इनकार करे और अल्लाह पर ईमान लाए तो जब तक गैर इस्लामी निज़ाम हुकूमत में है चे जाए कि खुद गैर इस्लामी निजाम चलाते हो जैसे मुस्लिम हुक्मरान जो इस्लामी शरीयत को नाफिज नहीं करते तो कहा यह खुद तागूत हैं और जो इनके माहतेत रहते हैं, वो खुद तागूत का इंकार नहीं करने वाले इसलिए इनकी तोहहीद ही मुकम्मल नहीं हुई और यहां से तोहिद हाकिमियत के नाम पर वो नारा बुलंद किया कि जिसके नतीजे में ये फिक्र जन्म ली कि मुस्लिम समाज में जब तक इस्लामी निजाम हुकूमत को कायम करने की कोशिश नहीं की जाएगी ये कुफर की हुकूमतें होगी इस समाज में जीने वाले लोग गोया कुफर के समाज में जी रहे इस फिक्र ने जन्म लिया

अल्लाह की हाकिमियत और अल्लाह ताला के कानून की सरबलंदी की बात करेंगे जिसका जाहिर आप देखेंगे आपको बिल्कुल लगेगा गलत क्या कह रहे अल्लाह ही का कानून तो चलना चाहिए इसमें गलत क्या है अगर कोई आपसे आकर कहे भाई इस्लामी शरीयत नाफिज होना गलत क्या है इसके अंदर अगर कोई आदमी आकर कहे भाई हमें जो है इस्लामी निजाम के लिए कोशिश करना चाहिए गलत क्या है आपको क्या लगता है इसमें गलती ही कहाँ है हजरत अली ने अभी तालिब रदी अल्लाह तु ने खवारिज के बारे में बात कही थी कहा था जब खवारिज ने यह कहा लोगों ने आकर हजरत अली से कहा कि अली वो लोग आपको काफिर कह रहे हैं कहा किस बुनियाद पर कहा कुरान की आयत पढ़ कर कहते हुक्त सिर्फ अल्लाह तबा रको की हैजरत अली रदी अल्लाह तह कलीमत बात उनकी सच है कुरान की आयत है लेकिन जो माना जो मुराद वो ले रहे हैं वो गलत है वो बातिल है आज आप इस मसले को समझें कि ये जो हमारे और आपके सामने मिशन की बात थी हमारा और आपका विजन जो अल्लाह ने तय किया था इसको एक इस्लामी या इस्लामी निजामे हुकूमत के क्याम से जो बदला गया वही काम हुआ जो इन इल्ला खवारिज ने किया था वो मसला क्या था इसका जाहिर सही है इसके जाहिर से कौन मुसलमान इख्तलाफ करेगा इस्लामी निजाम करे गलत क्या लेकिन इसके पीछे जो काम हुए उनमें सबसे पहली बात यह हुई कि तोहहीद पीछे चली गई अल्लाह की इबादत और बंदगी का मसला दूसरे नंबर पर आ गया अब विजन ये बन गया मकसद ये बन गया मिशन यह बन गया जहां रहो बागी बनकर रहो जहां रहो निजाम और सिस्टम के बागी बनकर रहो सिस्टम के खिलाफ जब तक लड़ते रहोगे तब तक तुम इस्लाम पर कायम रहोगे और मैं आपको बताना चाहूंगा हम बचपन में तकरीरें बड़ी याद करके किया करते थे नौजवानों के मौजू पर आज भी मदरसों में हमारे अपने जो उलमा बैठे हैं और उनके साथ जो ये तकरीरें सुनते हैं। आज मैं आपको दावत देता हूं नौजवानों के उनवान पे जो मदरसों में तकरीरें होती हैं उसमें हमने सुना है

इसको बदल दिया जाता है, है? की तोहहीद की बात कर रहे थे दो में बड़ा फर्क है मेरे भाई वो हुकुमरान से नहीं टकरा रहे थे फिर आउन का तस्करा आता है मूसा का तस्करा करते हुए हजरत मूसा ने क्या दावत दी थी रब्बुल आलमीन पर ईमान लाने की उसने यही पूछा था फिर और ने ये नहीं कहा मुझसे क्यों टकरा रहे हो मेरे खिलाफ बगावत क्यों करी ये नहीं पूछा रब्बुल आलमीन किस रब्बुल आलमीन की तुम बात करते हो रब आबाक यह तुम्हारा तुम्हारा तेरा और मेरा रब है रबी वो रब मेरा और तेरा रब है मैं उस रब की बात कर रहा हूँ आप ये बात नोट करके देखें जो अल्लाह की तोहिद की बात थी जिसकी तफसील मैंने आपके सामने की जिसकी तफसील मैंने आपके सामने रखी अल्लाह की इबादत की इस सारी तफसील को सियासी जिद्दोजहद सियासी हु से टकराना हुक्मरानों से लोहा लेना इस माने से बदल दिया गया और उम्मत के सामने कहा गया कि यह तुम्हारा विजन है यह तुम्हारा मिशन है और आज उसी का नतीजा है आज आप ये बात याद करके रखें कि माजी में कई जमातें खड़ी हुई जमातुल हिजरती व तकफीर के नाम से आज भी यूनिवर्सिटियों के अंदर वो जमात जो कहती है कि खिलाफत कायम करना ही मकसद है जो इस मकसद के लिए कोशिश ना करे वो मुसलमान नहीं है जो इस मकसद के लिए कोशिश ना करे वो मुसलमान नहीं है बदल दिया गया नजरिया बदल दिया गया और ऐसे ही आप देखते जाएं ऐसी बहुत सारी तंजीमें आती गई जिनकी नजर में यही मसला सबसे ज्यादा अहम हुआ मैंने कहा हमारा और आपका है हमारा विजन और मिशन मेरे भाइयों हम जिंदगी के हर मामले में अल्लाह तबारक की शरीयत और उसके दीन के पाबंद हैं नमाज रोजे में भी इबादात में भी अपनी जिंदगी इनफिरादी में भी अपनी तिजारत में हलाल और हराम के पैमाने में भी और अपनी सियासत में सब जगह हम किताब और सुन्नत की तालीमत की बात करते हैं और जहां तक मुमकिन हो वहां तक शरीयत इस्लामिया के नफाज की हम बात करते हैं लेकिन मकसद जिंदगी जो होगा जो विजन जो मिशन है इसको जिस अंदाज में माजी में बदला गया उसी का नतीजा था वो सारी तनजीमें खड़ी हुई मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो फिक्र थी इस फिक्र का सबसे बड़ा शाखिसाना ये होता है जो आदमी इससे मुतासर होता है वह सबसे पहले मुसलमानों से मुतनफर होता है मुसलमानों से मुतनफिर होता है और मुस्लिम समाज को जाहिली मुआशरा समझता है इसलिए कि इस्लामी हुकूमत कायम नहीं तो पूरा समाज मुआरह है और इसी जाहिली मुआरे की फिक्र के नतीजे में वो फिक्र जन्म लेती है जहां से दाइश पैदा होते हैं आप जो समझते हैं दाइश दवाइश जिनको आप जानते हैं उनका मसला क्या था आपको मालूम है वो लोग एक बात कहते थे मैं वक्त मुझे इजाजत नहीं देता कि बहुत तफसील में जाऊं लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब विजन जब बदलता है मिशन के नाम पर आप तब्दीली लाते हैं कैसे कैसे मसाइल जन्म लेते हैं आज इस्लाम में इस सोच की वजह से और इस सोच के हामिलीन की कार्रवाई की वजह से कितने मुल्क तबाह हुए कितनी जाने गई कितना जो है बर्बाद हुआ क्या नुकसान हुआ आप नहीं जानते लोग अमेरिका को गाली देते हैं दूसरों को गाली देते हैं हमारे पास कोई इश्काल नहीं कोई शुबा नहीं हमें कोई उनसे कोई दोस्ती का मामला नहीं हमें कोई शुबा नहीं कि ये सारे दुनिया के बड़े ालिम है ये सारी जो हुकूमतें जो दुनिया में मुसलमानों के खून का सौदा कर रही हमें उनसे कोई हमदर्दी नहीं लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जो उनके खिलाफ नारा लगाए वो हक पर हो जाएगा ये भी नहीं आप देखो ये जो विजन और मिशन की बात थी इसको अपने मसार अपने रास्ते से हटाने वाले कौन लोग थे तारीख में यह कब हुआ क्यों हुआ आप देखोगे तो पता चलेगा मेरे भाइयों एक तो ये माजी में हुआ अब उसके बाद असरे हाजिर में भी हो रहा है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अब तक की मेरी तकरीर ये सारी बुनियाद थी आज के हालात आपको समझाने के लिए आज हमारे और आपके हालात क्या है इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हमारे साथ कुछ मसाइल और मसाइल ये हैं कि आप जानते हैं पिछले तकरीबन पंद्रह बीस साल का आप अरसा देख ले मुसलसल मुसलमानों के खिलाफ हालात बुरे से बुरे होते चले जा रहे हैं बाबरी मस्जिद के फैसले की बात हो या फिर हुकूमत की तरफ से एन आर सी की सी ए की बात हो या फिर ये उसके अलावा बात हो और हुकूमत के कानून से हटकर माशरती सतह पर मुसलमानों के लिए मॉब लिंचिंग का मसला हो या मुसलमानों के साथ होने वाले तरह तरह के हो आज आपको मैं ये बात बहुत साफ तौर पर बता देना चाहता हूँ कि इसके पीछे जो फिक्र है वो यहीं पर बस नहीं करेगी अल्लाह हिफाजत करे ये आइंदा और भी आगे जाएगी ये मुसलमानों के साथ इसलिए कि इनके पास अपने बल पे आगे बढ़ने के लिए कोई ऐसी बुनियाद नहीं वो अपने नजरिए से अपने लोगों को खुद अपने नजरिए से मुतमिन नहीं कर पाते हैं। वो मुसलमानों को ही चारा बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं जिसके नतीजे में यहां इस वक्त इस मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा मसला हुआ वो मसला क्या हुआ है मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त मुसलमानों का सियासी तौर पर बहुत मुश्किल दौर से मुसलमान गुजर रहे हैं और सुन्नत की तालीमत की रोशनी में इसमें कोई शको व शुबा नहीं है कि शरीय के दायरे में रहते हुए इन हालात को बदलने के लिए जो कोशिश करनी चाहिए जो जद्दोजहद करनी चाहिए वो करना हमारा फरीजा है मनकुति लदो नली अपने माल की तरफ से दिफा करते हुए अपनी जान की तरफ से अपनी इज्जत की तरफ से दिफा करते हुए मर जाए अल्लाह के नबी ने उसे हदीस में शहीद कहा लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए इसमें कोई शक नहीं भाई हम अपने हालात का मुकाबला करेंगे अपने हालात को सुधारने की कोशिश करेंगे और यह कोशिशें कैसी होनी चाहिए किस अंदाज में होना चाहिए इसमें खुद मुसलमानों के अंदर अलग अलग अफकारों नजरियात अलग अलग तरीके कुछ तंजीमें समझती हैं जैसे गैर मुस्लिमों में इंतहा पसंद तंजीमें ऐसे मुसलमानों में भी वैसी ही तंजीमें बनाकर मुकाबला करना चाहिए कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं ऐसी किसी भी तंजीम से मुसलमानों का नुकसान होगा हमें सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पर मुसलमानों की अलग एक पार्टी बनाकर मुसलमानों की पॉलिटिकल ताकत अलग रखनी चाहिए ताकि हम अपने हकूक के लिए लड़ सके वहीं तीसरी तरफ यह नजरिया पाया जाता है कि नहीं मुसलमानों को न वैसी तंजीमें बनानी चाहिए न कोई पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए मुसलमानों को इस मुल्क की सेक्युलर आबादी के साथ घुल मिलकर ही अपने पॉलिटिकल मसाइल को हल करने की कोशिश करनी चाहिए अलग अलग किस्म के नजरियात हैं और लोग इस सिलसिले में काम कर रहे हैं लोग इस सिलसिले में काम कर रहे हैं जमीयतों जमातों की बात करें तो मैं आपको यह बात बताना चाहूंगा जमीयत लदीस का जो मौकफ़ है रस्म मौकफ वो कागज़ पर वो बताएंगे जो जमीयत के अहदे पर हैं। लेकिन हम जो जानते हैं वो ये कि जमीयत या जमात एल का मौकफ इन सियासी मसाइल में ये होता है कि कौमत का जो इज्तिमाही मौकफ होता है उस स्टैंड के साथ वो खड़े होते हैं अपना अलग स्टैंड नहीं लेते इसीलिए कभी वो अपना अलग बयान नहीं देते कभी वो अपनी तरफ से अलग से कोई ऐलान नहीं करते कोई अलग से आपको पॉलिसी नहीं देते आप इसका कार के बारे में इख्तलाफ कीजिए बात कीजिए सब कुछ गुंजाइश है लेकिन एक बात आप बताइए कि ऐसे मुश्किल हालात जब हो रहे हों तो क्या हम ये कहेंगे कि हमारी और आपकी जिंदगी का विजन और मिशन आज बदल गया है अब हमें सिर्फ सियासत के लिए मेहनत करनी चाहिए अब हमें सिर्फ सियासत के लिए कोशिश करनी चाहिए इस वक्त मुल्क के अंदर तीन बड़े काम ऐसे हुए कि जिसकी वजह से हमारा और आपका जहन वो इबादत और तोहीद का जहन ना होकर सियासी जहन बन गया है आज हमारे नौजवानों के नज़र में सियासत और सियासी मसाइल ही मकसदी जिंदगी के दर्जे में आ गए मैं आपको बताऊं तीन बड़े काम हमारे दौर के अंदर हुए एक मसला तो ये हुआ कि पहले के मुकाबले में सोशल मीडिया की वजह से आज हर छोटी बड़ी खबर अच्छी बुरी खबर हर आदमी तक पहुंचती है सियासी सतह पर मुसलमानों के खिलाफ क्या कुछ हो रहा है सच भी कई मरतबा झूठ भी कई मरतबा प्रोपेगेंडा भी मुसलमानों तक पहुंचता है जो उनके अंदर सियासी महरूमी का एहसास सियासी मजलूमियत के एहसास को बढ़ावा दे रहा है यह सोशल मीडिया का नतीजा है कि एक तरफ यह बहुत ज्यादा हुआ कि इसने लोगों के जहन को सियासी मामलात को सबसे ज्यादा अहमियत देने वाला बनाया एक नंबर दो दूसरी चीज ये हुई कि मौजूदा जो हुकूमत है या इससे पहले जो हुकूमत है मुसलमानों के सिलसिले में जिस किस्म के हालात आते जा रहे हैं अभी आप देख रहे हैं कभी हुकूमत की तरफ से और कभी बास तनजीबों की तरफ से कर्नाटक में हिजाब का मसला आया कानून का फैसला कैसा आया आपने देखा अभी मंदिरों के पास मुसलमानों को इकोनॉमिकल बैकॉट कहे माशी बाइकॉट की बात कही गई कि इनको बेचने नहीं दिया जाएगा तो ये हो रहा है कि सियासी सतह सि पर मुसलमानों के साथ दूसरा काम यह हुआ माजी करीब में बहुत ज्यादा ऐसा कुछ हो रहा है कि उनकी एहसास मजलूमियत में इजाफा कर रहा है और तीसरा बड़ा काम यह हुआ कि ऐसी कुछ तंजीमें वजूद में आई जो पहले नहीं थी जिन तंजीमों ने इन सियासी मसाइल को ही उम्मत का सबसे बड़ा मसला बना दिया आज आप ये बात याद रखें एक आदमी तोहहीद के बगैर मर रहा है एक आदमी सियासी तौर पर मजलूम है इस्लामी शरीय की नज़र में सबसे पहला तरजीह काम उसकी तोहहीद की असलाह है लेकिन तोहहीद की असलाह का मतलब ये नहीं कि आप उसकी मजलूमियत का इलाज ना करें नहीं लेकिन अगर तरजीह की बात करें दो में से एक की बात करें तो तोहीद असल होगी इसलिए कि यह उसकी जिंदगी का मकसद है यह विजन है यह मिशन है उसका आप इस बात को अच्छी तरह से समझे लेकिन जो सियासी मसाइल हैं इन मसाइल पर भी काम करना चाहिए करने की जरूरत है हुआ क्या हुआ यह कि हमारे और आपके आम नौजवानों के दिलो दिमाग पर ये जो तीन असबाब हैं सोशल मीडिया का दबाव हुकूमतों की और बाज तंजीमों की जो शरारतें रही उनकी वजह से और तीसरे नंबर पर बाज तंजीमों की तरफ से सियासत और सियासी मसाइल को सबसे ज्यादा उछालने के नतीजे में आज हमारे आम नौजवान का मिजाज ये है कि सियासत उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी है सबसे पहली तरजीह ये हमारे और आपके साथ हो रहा बहुत बड़ा जो है एक तरह से कहिए धोखा है हम अपने विजन को भुला रहे हैं हम अपने मिशन से हट रहे हैं इस मसले को हमें समझना चाहिए हम अल्लाह के बंदे अल्लाह की बंदगी करने के लिए आए हैं मुआफिक हालात में भी करेंगे मुखालिफ हालात में भी बंदगी करेंगे और ये बंदगी खुद भी करेंगे सामने वालों को भी बंदगी की दावत देंगे अल्लाह देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजवा खैबर में जंग लड़ने जा रहे हैं हजरत अली के हाथ में पहले ही बशारत दे चुके हैं कि कल सुबह मैं उसके हाथ में झंडा दूंगा कि जिसके हाथ पे अल्लाह ताला तैबर फतेह कर देगा हजरत अली के हाथ में अल्लाह के नबी ने झंडा दे दिया फतेह की बशारत तय है लेकिन हजरत अली को भेजते हुए अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाह ती तुम्हारे जरिए एक बंदे को भी हिदायत दे दे सुरखोटो से बड़ी तुम्हारे लिए बशारत है सुबह अल्लाह हमारा और आपका मसला यह कि हमारा मिशन कभी नहीं बदलता है मुआफ हालात में भी नहीं मुखालिफ हालात में भी नहीं ये जो सियासी मसाइल हैं ये यकीन अहमियत के हामिल हैं इनके हल के लिए जो मैदानी सूरत हाल की रोशनी में काम करना चाहिए कीजिए लेकिन अपने मिशन अपने विजन को ना बदलिए अपने मिशन को ना तब्दील कीजिए बदकिस्मती ये है कि ये जो सियासी दबाव आया है ये जो सियासी तौर पर मुसलमानों पर हालात आए इनका नतीजा यह है कि आज एक आम नौजवान का मसला यह है कि अगर उलमा इस सियासत के मसले पर सबसे ज्यादा बात ना करें वो उलमा डरपोक वह सुबह आज वो सियासत के मसले पर बात ना करें उलमा को हाल का अंदाजा नहीं आज इस सियासत को उनकी तरह सबसे बड़ा मसला बनाकर पेश ना करें इन उलमा को उम्मत की फिक्र नहीं आज अगर इस सियासत को सबसे बड़ा मसला समझकर उसके लिए मैदान में उतर कर, उनकी तरह काम ना करें तो सारी सारा ठेकर अल्लाह के ऊलम पे फोड़ा जाता है और यह सवाल किया जाता है कि उम्मत के लिए क्या के बंदों, आज आपको ये समझना चाहिए कि फतलो करम अंबिया के वारिस अल्लाह ने बनाया है दुनिया इधर से उधर हो जाए और बास ऊलमा गलती करें लेकिन उम्मत में ओलमा का तबका जब तक है तब तक अल्लाह तैर को बाकी रखेगा वो मिशन भी कायम रखेंगे मिशन भी कायम रहेगा दुनिया की कोई ताकत उनको अपने मिशन से हटा नहीं सकती, हिला नहीं सकती। अगर तुम नहीं देख पा रहे हो अपनी करो, समझो अपने आप को समझाओ तुम देखो कि तुम किस फिक्र के जेरे असर हो आज आज सियासत ने तुम्हारे दिलो दिमाग पर इतना कब्जा कर लिया मिशन तुम भूल गए और तुम याद दिलाते ओलमा को उनका विजन उनका मिशन तुम याद दिलाते हो इस्लामी शरीयत की नजर में ये बात आपको याद रखनी चाहिए हालात चाहे कुछ हो जाए हम हर हाल में अल्लाह ताला की बंदगी की दावत दे रहे हैं देते रहेंगे सुबह अल्लाह आप सीरत पढ़कर देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां हैं वहां सहा पढ़ा रहे हैं जहां हैं वहां अल्लाह की इबादत की दावत दे रहे हैं ये हमारा विजन है हमारा मिशन है मैं आपको बताना चाहता हूँ भाइयों की इस वक्त एक बहुत बड़ी यलगार है ये सियासी हालात से मुतासर फिक्र के हामिली आते हैं और आकर उम्मत को उस सियासी रुख पे ले जाने की बात करते हैं आपसे हमारी गुजारिश ये आप कुरान सुन्नत पढ़ें आप कुरान सुन्नत की उन तालीमात को पढ़ें जो आपको अपने मकसद जिंदगी से मुतल आगाही देते हैं आपको आपकी सूरत हाल से वाकिफ करवा रहे आप इस पर मेहनत करेंगे आपको पता चलेगा कि हर हाल में आपको हर हाल में आपको अल्लाह ताला की बंदगी करनी है आपको पता है ना अल्लाह के नबी वसल्लम गसबाई बनिल मुस्तलिक से वापस लौट रहे हैं दरख्त के साए के नीचे लेटे हुए हैं अल्लाह तल्ला के नबी वसलम दरख्त के साए के नीचे लेटे हुए हैं एक काफिर आता है आपकी तलवार उठा लेता है उठा कर पूछता है मई उनद मिननी या मोहम्मद अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाह उसके हाथ से तलवार गिर पड़ती है कप कपा कर अल्लाह के नबी तलवार उठा लेते हैं उससे पूछते अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा मेरे भाइयों इस वाक्य में अगर आप गौर करेंगे ना आप अगर जाकर देखो आन जंगी हालात में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो मकसद है वो किस कदर वाजे है वो जरा बराबर डगमगाता नहीं है ये जितनी तंजीमें तहरीकें ये जितने अफराद नौजवान हैं मैं आज एक बात साफ तौर पर कहूंगा हो सकता है ये सब के सब मुखल हो हम दिलों दिलों का हाल नहीं जानते उनकी नीयतों पर शुबा नहीं कर सकते और हम यही रखते हैं कि सबकी नीयतें सही हैं सब उम्मत की में बात करना चाहते हैं लेकिन आप एक बात जानते हैं ना सिर्फ नीयत की दुरुस्तगी काफी नहीं है सिर्फ की दुरुस्तगी काफी नहीं है। उम्मत को चाहिए कि नीयत की दुरुस्तगी के साथ तरीका भी सही रखें इस्लाम आपको बताता है इबादत और तौहीद के मिशन पे काम करोगे तुम्हारी अपनी सियासत में भी उसका असर तुम्हें मिलेगा तुम्हारी अपने में उसका असर मिलेगा आपको मालूम है ना जब ये लोग इस इस्लाम इस मुल्क में हिंदुस्तान में इस्लाम कहाँ से आया केरल के इलाके से सब केरला के इलाके से ये लोग सबसे पहले मुहिद बने उनकी तिजारत बदल गई अरब के ताजिर यहाँ आते थे उनकी तिजारत के उसूल बदल गए यहाँ के ताजिरों ने पूछा पहले तुम ही आते थे हमें डर लगा रहता कब लूटोगे कब धोखा दोगे ये कैसी तब्दीली है कि तुम्हारी तिजारत बदल गई है काम एक नबी पर ईमान लाए जो नबी हमें यह सिखाता है आपने ने के, के दरबार में सुनी। उन्होंने बताया अल्लाह के नबी की ये जो दावत है लोगों को हर मैदान में कैसे बदलती है मेरे भाइयों याद रखो हमारी और आपकी जिंदगी का, का जो मकसद है जो मिशन है वो क्या है मालूम आपको आप ये बात याद रखो इस्लाम हमें बताता है वो असल ईमान कमाल ईमान कमाल, कमाल, कमाल मुस्त की जो बात मैंने कही आप जब उस कामिल दर्जे का ईमान ले आते कौन सा ईमान कि जिस ईमान में आप पहले इस्लाम से शुरुआत करें इस्लाम के बाद ईमान के कमाल पे आए और ईमान के कमाल को लेकर एहसान के दर्जे में लाए और एहसान का दर्जा यह है कि आदमी अल्लाह की इबादत इस तरह करे जैसे वो अल्लाह को देख रहा है या वो नहीं देख पा रहा है तो अल्लाह ताला उसे देख रहा है यानी बंदा इस पूरे यकीन के साथ जिंदगी जीता है कि जिंदगी के हर मामले में अल्लाह ताला के सामने अल्लाह ताला मुझे देख रहा है इस यकीन के साथ बंदा अगर जी रहा है ये कमाल है और ये कमाल जब लोगों के ईमान में पैदा होता है तो खिलाफत उमर क़ायम होती है खिलाफत उमर कायम होती कैसे देखो आप हजरत उमर को, उनका ईमान इस्लाम और ईमान के दर्जे से निकल कर एहसान के दर्जे में था हमेशा अल्लाह तला के सामने जवाबदेही का एहसास रहता था तो उमर ये कहते थे कि अगर दजला के किनारे भी रास्ता खराब होने की वजह से एक बकरी का पैर टूट जाता है मुझे डर है अल्लाह ताला के पास मुझे जवाबदही करनी पड़ेगी वो ईमान जब एहसान के दर्जे का पैदा होता है उम्र पैदा होता है उम्र जैसा ईमान वाला होता है जो ये रातों में अपने गुलाम को लेकर मदीने की गलियों में चक्कर लगाता है रियाया की खबर रखता है और उम्र के दौर में ऐसी रियाया होती है कि एक खातून एक लड़की अपनी माँ के साथ रात के अंधेरे में गुफ्तगू कर रही होती है माँ कहती है कि बेटी पानी मिला दे थोड़ा सा दूध में बेटी इनकार कहती है कि उमर ने मना किया है उमर ने मना किया है कि दूध में पानी ना मिलाया जाए मां कहती है कि बेटी उमर कहां देख रहा है उमर कहाँ देख रहा है बेटी कहती है उमर नहीं तो क्या हुआ उमर का रब तो देख रहा है जब इस दर्जे का ईमान आता है ना इबादत और तोहहीद इस दर्जे को पहुंचती है तो फिर इस्लामी खिलाफत खिलाफत उमर बनती है मेरे भाइयों ये बात याद रखो इस्लामी शरीयत में जो सियासत का तस्वर है सियासत का जो मैदान है इस मैदान को किताब सुन्नत की तालीमत में आप समझेंगे एक अलग रंग नजर आएगा आज जो सियासी नजरियात हैं ये रद्द अमल हैं ये रिएक्शन में लिए गए हैं ये मजलूमियत के दौर में अपनी मकलूबियत के दौर में लोगों ने रिएक्शन में कुछ चीजें तय की हैं, जिसका नतीजा यह है कि अब तक, तक तकरीबन पिछले 50 से 60 साल बल्कि 70 साल का दौर आप देख लें 70 से 80 साल के दौर में इतनी कोशिशें हुई लेकिन उम्मत मुस्लिमा का फायदा कम हुआ नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है इसलिए भाइयों जो बात आज मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये कि अल्लाह ताला ने किताब और सुन्नत में हमारा विजन मुतन कर दिया हमारा मिशन भी अल्लाह ताला ने बता दिया हम अल्लाह की तोहहीद के लिए हैं अल्लाह की तोहहीद ही के लिए जीते हैं कुल इन नसौलाती व नसुखी व महिया व ममाती लबीन ला शरीक व बिदाली का उमित ने कहा कि कुल अल्लाह के कह दीजिए कि मैं बेशक मेरी नमाज मेरी कुर्बानी या मेरी इबादत मेरी जिंदगी और मेरी मौत अल्लाह ही के लिए अल्लाह ही की इबादत के लिए जो आलमीन तमाम जहानों का पालनहार है ला शरीक ला। उसके साथ कोई शरीक नहीं वह भी जाली का उमिरत मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है वह अना अवलमिन अवलमुसलिमी दूसरी आयत मिलन तो कहा सबसे पहले मैं ईमान लाने वाला हूँ सबसे पहले मैं फर्मा बरदार होने वाला हूँ अम्बिया सबसे पहले ये कहते मैं सबसे पहले फर्मा बरदार होता हूँ मेरे भाइयों मुझे जो पैगाम आपको देना था बहुत सादा सा है वो क्या है कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमारा विजन और मिशन मुतन है और हमने नहीं थी किया उलमा ने नहीं तय किया ये कुरान और सुन्नत में अल्लाह ने पहले से तय कर करके रखा उलमा का काम ये है कि वो बस आपको पढ़कर सुनाते हैं समझाते हैं इसके मुकाबले में सियासत और सियासी मसाइल को इतनी अहमियत दे देना कि उसी को समझ जाएं और उसकी बुनियाद पर सारी उम्मत को तोलने लग जाएं आप सारी उम्मत को बोलने लग जाएं सारी उम्मत की गर्दन नापने पे आ जाएं सारे उलेमा की मेहनतों पे सवालिया निशान खड़ा कर दें ये सवाल उलेमा के काम पर नहीं सवाल खड़ा करने वाले लोगों को अपनी फिक्र का मुहासभा करने की जरूरत है अपना मुहासबा करें अपना जायजा लें और अगर मान ले कि सियासत में कोता ही है तो गुस्से इसलाह की बात करें लेकिन उसकी वजह से विजन नहीं मुतासर हुआ यह कहना कि किलमा ने विजन लेस बना के छोड़ दिया मिशन लेस बना के छोड़ दिया कितनी बड़ी बात है ये कितनी बड़ी बात है और कितनी गलत बात है मुझे ताज्जुब हुआ जब मैंने सुना यह जुमला कि मेरा अंदाज गलत हो सकता है लेकिन मेरी बात गलत है क्या सौ बार गलत है सौ बार गलत है अंदाज कैसा भी हो लेकिन मीठे मीठे बोल में भी, भी बोलो तब भी यह बात गलत है हमारा विजन अल्लाह ने मुतयन किया मिशन अल्लाह ताला ने तय किया हम उसी विजन को मिशन को सामने रख के चल रहे हैं उसी मिशन को लेकर हम सामने चल रहे हैं और अल्लाह का फजलो करम है कि साहेब बसीरत होते हैं साहेब इल्म होते हैं उम्मत के लिए दर्द भी रखते हैं उम्मत के लिए फिक्रमंद भी है इसलिए उम्मत पर से उम्मत पर उम्मत का पर से मुतज़लजल मत करें अल्लाह की खातिर मैं आपको ये बात बोलना चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे अहबाब बहुत सारे हमारे नौजवान ऐसे गैर शोरी तौर पर खिदमत के नाम पर दीन को नुकसान पहुंचाते हैं आपको बताऊँ खवरिज के बारे में आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि वह हुक्मरानों के खिलाफ बगावत करने वाले थे याद रखो खबारिज कुमरानों के भी बागी थे वक्त के उलमा के भी बागी थे खारिजी युक्मरानों की बगावत भी है और वक्त के जो मोतबर मोतब हैं उनके खिलाफ निकलना भी ये बगावत है खारिजियत है आपको समझना चाहिए किताब सुन्नत के मनहज में ये सारी बातें वाजे हैं मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे आप सभी हजरात को तमाम खुवा को जो बातें कही सुनी गई इनको समझने की तोहफे कथा फरमाए अपनी सियासत अपनी माशियात अपने अखलाक अपनी दुनिया के सारे कारोबार के साथ सबसे पहले अपनी जिंदगी के मकसद को समझ कर अल्लाह तला के बंदे बनकर इस दुनिया में जिंदगी गुजारने की तोहफी कतः फरमाए आमीन आखिर अनिलहमदिलमी